अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रीडी स्टडी लाइन के इस नए सेशन में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के लास्ट सेशन में जो टॉपिक हमने कवर किया था वो था कि हमने जो है ना फॉर्मेटिंग जो है आपको करना सिखाई थी। तो आज के जो इस टॉपिक में हम काम करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा कि मैनेजिंग लेआउट, किस तरह से पेज के जो है ना लेआउट को मैनेज किया जा सकता है। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा एक टेम्पलेट जो है जॉब एप्लीकेशन का वो उठाया है। इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि ये दो पेजेस के ऊपर ये डॉक्यूमेंट जा रहा है और इस वक्त इसके जो ओरिएंटेशन जो है, यानी कि पेज किस फॉर्मेट में है, आया ये लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट है, तो इसको चेक करने के लिए, वैसे तो आप देख ही रहे होंगे कि ये जो है लैंडस्केप में बना हुआ है इस वक्त, लेकिन हमें क्या करना है कि इसको कन्वर्ट करना है पोर्ट्रेट के अंदर। तो जब आप पेज लेआउट के अंदर आएंगे, पेज लेआउट के अंदर ऑप्शन है यहाँ पर पेज सेटअप का। पेज सेटअप के अंदर आप देख रहे होंगे ओरिएंटेशन का जो है ना एक ऑप्शन आ रहा है। इसके अंदर क्या है कि लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, इस वक्त ये लैंडस्केप में है तो सिलेक्शन लैंडस्केप पे हुई हुई है, हमें इसको करना है पोर्ट्रेट के अंदर। पोर्ट्रेट को हम सेलेक्ट करेंगे, हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कन्वर्ट हो गया। पूरा देख रहे होंगे आप कि ये पोर्ट्रेट फॉर्म में आ गया, लेकिन ये अभी भी जो है वो एक ही पेज के ऊपर, दो पेजेस के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि हम जो है इसको प्रिंट करेंगे किसी और पेज साइज़ के ऊपर प्रिंट कर देंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, या फिर हम इसके अंदर फॉन्ट साइजिंग वगैरह जो है, पैराग्राफ साइजिंग वगैरह जो है वो हम कम करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। लेकिन हम इस ट्यूटोरियल के अंदर क्या है, पेज लेआउट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पेज लेआउट को हम किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर नया पेज साइज सेलेक्ट करेंगे। इस वक्त इसका जो पेज साइज़ है, यानी कि हम साइज़ पे जब क्लिक करेंगे तो इस वक्त इसका साइज़ है लेटर। लेटर के ऊपर ये प्रिंटिंग कर रहा है, तो हमें लेटर पे प्रिंटिंग नहीं करनी, हमें बड़ा साइज़ पेपर, पेपर का जो बड़ा साइज़ है हम वो इस्तेमाल करेंगे, यानी कि लीगल का जो पेपर साइज़ होता है हम वो इस्तेमाल करेंगे इसको प्रिंट करने के लिए जॉब एप्लीकेशन के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लीगल को जब सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपने देखा कि एक पेज पर आ गया। ये बाकी जो पेज है हम इस पर यहाँ पे क्लिक करके इसको बैक ऑर्डर करके इसके अंदर से इसको बैक ऑर्डर कर देते हैं, ताकि ये पूरा पेज जो है वो डिलीट हो जाए यहाँ से। इस वक्त ये डिलीट नहीं हो रहा क्योंकि ऊपर जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा है, इस वजह से ये जो है डिलीट नहीं हो रहा है इस वक्त। लेकिन जो बेसिकली हमारा जो काम था वो ये था कि हम इसको किस तरह से एक पेज पर कन्वर्ट कर सकें, जो कि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अभी एक पेज पर जो है आपको डिस्प्ले हो रहा है, आपने देख लिया होगा किस तरह से एक पेज पर डिस्प्ले किया जा सकता है। अब जो चीज़ है इसके अंदर लेआउट के अंदर वो होती है मार्जिन्स के ऊपर काम करना, यानी कि जो आप साइड में जो स्पेसिंग देख रहे हैं पेज के साइडों पे और टॉप के ऊपर, और इसी तरह जो है फुटर में जो आपकी स्पेसिंग है, कि इसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, इसकी साइजिंग को। आपके पास दो तरीके हैं, एक तो आप ये देख रहे होंगे कि आपके पास जो ये बार शो हो रहा है, इस बार के ऊपर आपके पास ये दो चेक पॉइंट्स हैं, एक ये चेक पॉइंट है और एक ये चेक पॉइंट है। इस चेक पॉइंट को आप जो है सेलेक्ट करते हुए आप अपने मार्जिन को जो है आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप इस चीज़ को कभी भी टच ना करें, क्योंकि ये जो है आपके लेआउट को बहुत ख़राब कर देता है। तो इसमें जो मार्जिन का जो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है, यानी कि जो हम इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली ये जो ऑप्शन है ये एक तरह से इंटेंट का काम करता है, मार्जिन का काम नहीं करता है। इसमें इंडेंटिंग का और स्पेसिंग का जो है काम किया जाता है। देख रहे होंगे आप, इस दिखा रहा है आपको कि इंडेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो आगे चल के मैं बताऊँगा कि इसका बेसिकली यूज़ जो है वो क्या है। तो मार्जिन को जो है हम कंट्रोल कैसे करेंगे, कि पेज सेटअप में आप देख रहे होंगे यहाँ मार्जिन का एक ऑप्शन है। मार्जिन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि बिल्टन जो है ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, इसमें से आप सिलेक्शन करके जो है कुछ भी आप अपने मार्जिन को चेंज कर सकते हैं। देखा आपने, जैसे कि मैंने मार्जिन इसका जो नॉर्मल था पहले वो था नॉर्मल, नॉर्मल मार्जिन का आप देख रहे थे कि ये जो है नेक्स्ट पेज भी शो कर रहा था, नॉर्मल नहीं था तो मॉडरेट जो भी था ऑप्शन जो इसमें था वो आपको शो कर रहा था। अगर हम इसको स्क्यू कर दें, यानी नैरो कर दें मार्जिन के जो साइज़ है, यानी कि टॉप लेफ्ट बॉटम और राइट ये जो साइजेस हैं ये जो आपको शो हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे अगर नैरो सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए मार्जिन के साइज़ को इसने कम कर दिया और आपके पूरे पेज को एक पेज पर लिया है मार्जिन की वजह से। आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो एक पेज के ऊपर अब डिस्प्ले हो रहा है।
इसी तरह मार्जिन को आप कस्टमली जो है आप उसको सेट कर सकते हैं, यानी कि इनमें से कुछ सिलेक्शन नहीं करनी, तो कस्टम में जाके यहाँ से आप अपने मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं। यानी कि मैं चाहता हूँ टॉप और बॉटम का जो मार्जिन है वो मज़ीद कम हो जाए, 0.5 है तो इसको मैं 0.35 कर देता हूँ और इसको भी 0.35 कर देता हूँ, तो आपका पेज जो है वो मज़ीद खुल जाएगा, आपके पास स्पेस आ जाएगी मज़ीद। आप देख रहे होंगे कि ऊपर से कम हो गई स्पेसिंग, और इसी तरह से बाकी जो है वो लेफ़्ट और राइट का जो है 0.5 है, तो इसको भी आप मज़ीद कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। एक चीज़ जो आपने देखी होगी कि पेज सेटअप का जो पूरा लेआउट का जो ये ऑप्शन है, इसके अंदर क्या है कि आपके पास एक तो साइजिंग है, ओरिएंटेशन है और मार्जिन्स हैं। जब मैंने इस पे कस्टम पे क्लिक किया था तो ये आपको एक इन तीनों को जो है एक पैनल के अंदर भी डिस्प्ले किया जा सकता है, यानी कि इन सबको हम एक पैनल के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि हम ये नहीं चाहते कि बार बार किसी ऑप्शन पे क्लिक करके जो है उसको इस्तेमाल करें, हम चाहते हैं कि एक ही पैनल ओपन हो और उसी के अंदर हम इन तीनों चीज़ों को मैनेज करें। उसके लिए आप क्या करेंगे कि पेज सेटअप के इस कॉर्नर पर देख रहे होंगे आप ऑप्शन आ रहा होगा, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा मार्जिन्स, इसके अंदर सारी मार्जिन्स की सेटिंग्स हैं, ओरिएंटेशन और लेआउट देख रहे होंगे आप, इसको ये शो कर रहा है यहाँ पर इस वक्त, पेपर साइजेस जो है आपके पास यहाँ शो रहे हैं इसके अंदर, और लेआउट के हवाले से पूरा का पूरा जो आपके पास चीज़ें हैं वो इसके अंदर शो हो रही हैं, हेडर की स्पेसिंग वगैरह, फुटर की स्पेसिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको डिस्प्ले हो रही होंगी।